हेलो, तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम फ्रंट एंड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थ्योरी पे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। थ्योरी पे मैंने अलग से बना के रखा है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपको टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जा रहे हो कहीं पर, तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो ये टॉप 5 क्वेश्चंस हैं। इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले इन क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करना, ठीक है। और अगर आप रिवाइज नहीं करते हो ये क्वेश्चंस को, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉप 5 क्वेश्चन में से जो 5वें नंबर पे वो है पैलिंड्रोम। इंटरव्यू के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस कंपनियों का। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको बताना रहता है कि पैलिंड्रोम क्या है। थियरी के अंदर नहीं, आपको कोड करके बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। लेट सपोज आपको इंटरव्यूअर एक स्ट्रिंग देगा, लेट सपोज आपको दिया, डेमो दिया, लेवल दिया, कुछ भी दे सकता है। वो बोलेगा कि आप मुझे कोड लिख के बताओ और ये बताओ कि ये चीज़ पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम यानी कि जो चीज़ हम आगे से पढ़ रहे हैं वही चीज़ पीछे से पढ़ने पे सेम होनी चाहिए, तो ये होता है पैलिंड्रोम। तो आपको यहाँ पर कोड दिख रहा रहेगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। इसके बाद 4th नंबर पे आता है शॉर्टिंग वाले क्वेश्चंस। आपको एक एरे दे देंगे मिक्स टाइप का, जिसमें रैंडम नंबर होंगे 10, 5, 2, 3 इस तरह से। अब आपको बोलेंगे कि इस एरे को शॉर्ट करके दिखाओ, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, जैसा भी वो बोलेंगे, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के लिए ना आप बबल शॉर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हो। इस कोड में आपको दिख रहा रहेगा कि किस तरह से मैंने पर्टिकुलर एरे को शॉर्ट किया है यूजिंग बबल शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है स्टार पैटर्न वाला। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का पूछने वाला। तो अगर आपने अपने कॉलेज लाइफ में इंटरव्यू दिए रहेगा या कहीं और भी इंटरव्यू दिए रहेगा, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा रहेगा कि पर्टिकुलर एक पैटर्न है स्टार का, तो ये बना के दिखा दीजिए। कभी वो राइट एंगल देता है, कभी वो पिरामिड देता है, कभी कुछ और देता है। तो ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। तो ये जो स्टार वाले जितने भी पैटर्न होते हैं ना, सारे एक बार रिवाइज कर लेना स्टार्ट टू एंड का। इसके बाद 2nd नंबर पे क्वेश्चन आता है एनाग्राम वाला। तो आपको यहाँ पर दिख रहा रहेगा कि एनाग्राम क्या होता है और किस तरह से हम एनाग्राम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, तो ये भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना। अब इसके बाद जो पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है, मैं चाहूँगा कि आप गेस करो और बताओ कि मुझे पहले नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। फटाफट से गेस करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि पहले नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने अगर इंटरव्यू दिया है तो आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं और आपको कौन से क्वेश्चंस हार्ड लगे। तो आप वही चीज़ सोच के, वही एक्सपीरियंस सोच के बताओगे कि पहले नंबर पे कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को पोस्ट करो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे आने वाला है। तो आई होप आपने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है असिंक्रोनस बेस्ड क्वेश्चंस इन जावास्क्रिप्ट। अब आप सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है, तो इसके अंदर हम असिंक्रोनस टास्क किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी खासी लेवल वाली कंपनी में जा रहे हो, मिड में जा रहे हो या टॉप MNC में जा रहे हो, तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह से असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करते हैं। तो आपको प्रोमिसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि प्रोमिसेस के अंदर कितने स्टेट होते हैं, ठीक है। रिजॉल्व क्या होता है, रिजेक्ट क्या होता है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछता है और आपने उसको एकदम कॉन्फिडेंस से समझा दिया, तो समझ लो आपका काम हो गया, आपका सिलेक्शन समझो 95% पक्का है। बाकी 5% आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर रहता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यू के अंदर। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर दो चीज़ ना मेजर रोल प्ले करती है। एक तो होता है आपका जो भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आप उसका आंसर दे रहे हो, दैट्स फाइन। एंड सेकेंड थिंग ये होती है कि आप किस तरह से पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेट सपोज इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप क्या होती है। अब आपको पता है इवेंट लूप क्या होती है, एकदम अच्छे से आता है आपको, एकदम रटा हुआ है मुंह पे। तो मेन रोल ये प्ले करता है कि आप किस तरह से इंटरव्यूअर को अपनी बात समझा रहे हो। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो ज़्यादा मैटर करती है आपके आंसर से। आप गलत जवाब दे रहे हो, दैट्स फाइन, लेकिन वो जो गलत जवाब है वो आप किस तरह से समझा पा रहे हो इंटरव्यूअर को, वो मेन प्ले करता है। उसी पे डिपेंड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब इस चीज़ का गलत मतलब मत निकाल देना कि हाँ भाई दीपक ने बोला है कि गलत जवाब दो पर अच्छे से समझाओ तो सिलेक्शन हो जाए, ऐसा मत समझना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत जवाब दे के आओ, सही जवाब देना है आपको, ठीक है। मैं बस आपको समझा रहा था कि आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है इंटरव्यू के अंदर, दैट्स फाइन। तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।